वाइनिल एल्कोहल का IUPAC नाम अभी हम लिखना सीखेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, यहाँ पर मैं अपना इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ। देखिए कुछ ऐसा होता है, कार्बन और डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे OH जुड़ा हुआ है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है दोस्तों? चार बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4, 1 2 3, ये आपका 4। ओके, अब देखिए IUPAC नाम लिखने के लिए आप पहला स्टेप क्या करते हैं, अपना फंक्शनल ग्रुप की पहचान करते हैं। तो यहाँ पे OH यानी आपका एल्कोहल जुड़ा हुआ है। एल्कोहल का दोस्तों हम सफिक्स क्या यूज़ करते हैं? OL यूज़ करते हैं। और यहाँ पे ये आपका पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? दो कार्बन। दो कार्बन को क्या कहते हैं? एथ, ठीक है। और डबल बॉन्ड के लिए हम क्या सफिक्स यूज़ करते हैं? ENE। इस एल्कोहल के लिए क्या सफिक्स आएगा? OL। जब OL इसके साथ जुड़ता है तो ये आपका E गायब हो जाता है, यानी इसके साथ आ गया EN और उसके बाद OL। ये इसका दोस्तों आपका IUPAC नाम बनता है, ठीक है। आसान लगा आपको तो नीचे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखिए इसका कुछ अन्य नाम भी है, जैसे हाइड्रोक्सी, ये अदर नेम आते हैं इसका। एल्कोहल का प्रेफिक्स यूज़ करेंगे तो क्या यूज़ करेंगे? हाइड्रोक्सी, सफिक्स OL, ठीक है। और यहाँ पे इसका नाम लिख दिया हमने एथ और इन, यानी एथिन, ठीक है। तो ऐसे भी है जो इसका आपका अदर नेम लिखा जाता है, लेकिन हमें किसको ध्यान रखना है? इसके IUPAC नेम को ध्यान में रखना है।